ऐतिहासिक विवरण को जानने के लिए हम विभिन्न कालों में इसको विभाजित कर किए हुए हैं। बच्चों, जो हमारा शिक्षा का काल है वो कई भागों में है। सामान्य रूप से ये काल निम्न प्रकार से हैं, जैसे कि प्राचीन काल, वैदिक काल, बौद्ध काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल तथा स्वतंत्रता प्राप्त के उपरांत का काल। बच्चों, जो हमारी शिक्षा है वो हमने इस तरह से विभाजित करके रखा हुआ है, जिससे कि हमें समझने में आसानी हो। बच्चों, शिक्षा को इन कालों में विभाजित करके जो एक शिक्षा है उसको किस तरह से आप तक पहुँचे और आप किस तरह से इसको समझ सकेंगे, जो ये भारतीय शिक्षा पद्धति है, इन सारी कालों में बहुत अंतर है, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि जो भी ये काल थे, चाहे वैदिक काल रहा हो, चाहे बौद्ध काल रहा हो, चाहे मुस्लिम काल रहा हो, चाहे ब्रिटिश काल रहा हो, और चाहे जब से हम स्वतंत्र हुए हैं, हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, उसके बाद के जो काल हैं उनकी शिक्षा पद्धतियों में कितना अंतर है। बच्चों, आज हम आपको बता दें कि जो ये हमारी शिक्षा पद्धति है वो प्राचीन काल से चली आ रही है। बच्चों, इस प्राचीन काल में कैसे स्टार्ट हुई हम आपको यह बताना चाहते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा का जो मेन बेस था, मेन आधार था, वो वेद थे। वैदिक काल की शिक्षा का प्रारंभ ऋग्वेद काल से हुआ। बच्चों, जो ये ऋग्वेद काल है ये हमारा शिक्षा पद्धति का काल था, और यह बौद्ध काल से प्रारंभ होने तक इस शिक्षा का प्रचलन रहा। बच्चों, जो हमारा शिक्षा है वो ऋग्वेद काल से स्टार्ट होके और यह बौद्ध काल तक प्रचलित रही है। कुछ लोग वैदिक काल के को अनेक उप कालों में विभाजित करते हैं। जैसा कि बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो वैदिक काल का समय है वो लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक है। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। बच्चों, जो वेद है ये हमें शिक्षा देते हैं और ये हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। वेद आर्यों की संस्कृति निधि है। बच्चों, जो ये वेद हैं वो हमें आर्यों के बारे में बताते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा का मूल आधार वेद ही हैं। बच्चों, इन वेदों को हम चार भागों में विभाजित किए हुए हैं।